एटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में, और हमने देखा था एनिमेशन पेन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगर के बारे में। किसके बारे में? एक ट्रिगर ऑप्शन है उसके बारे में, और स्लाइड शो, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज ब्लैंक स्लाइड पे हम लोग कुछ करेंगे, और आप ऐसे ही काम करिएगा और अल्फाबेटिकल करके जेड तक कर लीजिएगा। आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बहुत अलग चीज मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। फोन उन साइलेंट कर लीजिए आप लोग आराम से, आप लोगों का नहीं बज रहा है। ठीक है, सब सामने देखिए, बोर्ड पे कंसंट्रेट हो गए। ठीक है, सबसे पहले एक नई स्लाइड में ले रहा हूं, ये रहा ब्लैंक स्लाइड। और चूंकि इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते बिना स्टेपेज की मदद से, जानते ही आप लोग। ठीक है, इंसर्ट टैब में आके एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, मैंने ले लिया और मैंने इसे करके और यहां बना लिया, देखा लिख दिया APPLE एप्पल। क्या लिखे हैं? एप्पल, और एप्पल को सिलेक्ट करके मैंने इसकी साइज को थोड़ा सा क्या कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? बोल्ड कर लिया। ठीक, और फिर से आया इंसर्ट टैब में और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके, ठीक है, और इसमें भी लिख लिया BALL बॉल, और सेलेक्ट करके इसकी साइज, इसको भी बोल्ड करके इसकी साइज भी 32 कर दी। कोई दिक्कत? और दो इमेज डाउनलोड कर ले रहे हैं एप्पल और बॉल का, उसके लिए हम आ जा रहे हैं क्रोम पे और इमेज। अच्छा, ट्रिगर का मतलब होता क्या है? कि ट्रिक करने का मतलब, ट्रिक मतलब होता है दबाना। हाँ, किसी चीज को, हाँ, चाहे गन पॉइंट की बात करें या नॉर्मल लोग कहते हैं ना, ये ट्रिगर कर रहा है मुझे बार बार, मतलब छेड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसा कर दे उसके बाद आप, फिर बाद में रहे यार तुम्हारी गलती लोग निकाल दे, समझ रहे ना? लोग कहते नहीं, बार बार मुझे ट्रिक कर रहा है, मतलब इतना उत्साह रहा है कि मैं चाहता है कि मैं वही कर दूं, होता है कभी कभी, तो वही सारी चीजें है। तो सबसे पहले यहाँ इमेज डाउनलोड करेंगे, इमेज आप एप्पल, पीएनजी लिख दीजिएगा, पीएनजी में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, और जो भी एप्पल की इमेज अच्छी लग रही होगी उसको राइट क्लिक करके क्या करिएगा, सेव एज इमेज, और जहां भी सेव करना होगा 3D ऑब्जेक्ट्स में ही सेव कर दे रहे हैं एप्पल के नाम से, APPLE एप्पल, इंटर कर दीजिए, और इसी को मिला के एप्पल की जगह क्या लिख लीजिएगा, BALL बॉल, और इसी में बॉल में से राइट क्लिक करके सेव एज इमेज कर लीजिएगा 3D ऑब्जेक्ट में, और यहाँ क्या लिख लीजिएगा, दो इमेज सेव हो गई। अब आप वापस आइए पावर पॉइंट में, और इमेज इंसर्ट कराने के लिए कहाँ जाना होगा? इमेज इंसर्ट कराने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट क्लिक कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा सा फिर इंसर्ट टैब में आएंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर पे, आधा आया क्या जी? एक ही बार लिख दे रहा हूं और यहां ले रहा हूं, ठीक है, अरे मैंने कर दिया बाल, कर दिया और एप्पल कर दिया। ठीक है, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, ट्रांजिशन या एनिमेशन? क्या लगता है ऑब्जेक्ट पे? एनिमेशन लगता है, तो मैंने एनिमेशन लगा दिया, इसको क्लिक करके मैंने आए एनिमेशन पे और यहाँ लगा दिया फ्लाई। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा इसका, फ्रॉम टैब कर लीजिए, और इसको मैंने क्या कर दिया सिलेक्ट करके,
इस पे लगा दिया बाउंस, क्या लगा दिया, ठीक है। अब ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल अभी तक क्या हमने किया है क्या कहीं? नहीं। तो जैसे ही स्लाइड को हम शो कराएंगे, पहले तो उसको बंद कर दे रहे हैं जो मैंने ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ऑन माउस क्लिक करके लाइट वाल कर दिया और मैं शो करा रहा हूँ, देखिएगा हो गया। अब देखिएगा स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अब मैं स्लाइड पे अगर क्लिक करूंगा तो पहले क्या आएगा, एप्पल आ रहा है, और उसके बाद जब क्लिक कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है। लेकिन ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल ऐसे ही कंडीशन में किया जाता है कि मान ली कोई कह रहा है, जब मैं इसको शो करा रहा हूँ तो बॉल पे क्लिक करूं तो बॉल आना चाहिए ना भाई, अगर मैं जिसपे क्लिक कर रहा हूँ वो आना चाहिए, मैं बॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा और आया क्या, ये गलत है ना। तो इसी सिचुएशन के लिए, ऐसे ही कंडीशन के लिए ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसपे हम ट्रिक करें वही चीजें हमारे सामने एज ए रिजल्ट के रूप में आए। तो मैं आपने देखा कि नॉर्मली अगर नॉर्मली भी अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, पहले एप्पल ही आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है। लेकिन ट्रिगर का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं पहले बॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉल आना चाहिए, लेकिन पहले एप्पल ही आ जा रहा है। तो ऐसे ऑप्शन के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एनिमेशन के भीतर आपको ट्रिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको आना है होम टैब में। कहाँ आना है, होम टैब में, ध्यान से देखिएगा। होम टैब में आने के बाद आपको आना है सेलेक्ट में, कहाँ आना है, सेलेक्ट में। सामने देखिए आप लोग क्लिक करेंगे, यही एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन का, क्या आता है, जैसे एनिमेशन पेन कल बताया था मैंने, बताता है कि कितने एनिमेशन यूज किए गए हैं, किस किस ऑब्जेक्ट पे है, वैसे यहाँ पे बताता है कि कितने आपने चीजें अपने डॉक्यूमेंट के तौर पे, मतलब कि चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे या टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे यूज करी आप, तो बता रहा है ना चार यूज किया, कह रहा है दो पिक्चर यूज किया आपने, पिक्चर थ्री एंड पिक्चर फाइव, और दो आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया, टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स टू, बस इन्हीं को रिनेम कर देना है, काम बन जाएगा आपका, समझ रहे ना, चाहे आप पिक्चर को रिनेम कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को रिनेम कर दीजिए, यही काम करेंगे। अच्छा एक चीज और भी है, चाहे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, देखिएगा अभी मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, चल हाइड हो जाएगा, देखिए सब हाइड हो गया। कोई पूछ रहा स्लाइड पे कुछ है, और कोई पूछ रहा स्लाइड पे कुछ है, चेक कर लीजिए इसके सिलेक्शन पिन से, पता चल जाएगा है या नहीं है। हाइड आल, शो आल कर दीजिए, सारे दिख जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, पहले आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए या टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके क्या करिए, रिनेम कर दीजिए, समझ आ गया ना। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ही रिनेम करके, रिनेम करने के लिए तरीका है डबल क्लिक करके, और उसको क्या लिख दिया मैंने, ए डबल पी एल ई, टेक्स्ट बॉक्स देखो हाईलाइट भी हो रहा है, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स हमने सिलेक्ट किया है, एप्पल वाला, जो हाईलाइट हो रहा है वही नाम लिख दीजिए, ए डबल डबल पी एल ई, सही है ना। और टेक्स्ट बॉक्स टू को रिनेम करके मैंने लिख दिया बी ए डबल एल, और कुछ नहीं किया मैंने, कोई दिक्कत, बस इतना करने के बाद से मैंने इसको बंद कर दिया और हम आ गए वापस से कहाँ पे, एनिमेशन पे, और हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिगर का। लेकिन ट्रिगर हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट ही नहीं हो रहा तो करेंगे कैसे, तो जब तक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एप्पल को, और यहीं पे जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा ट्रिगर का, क्या ऑप्शन आएगा, एक ट्रिगर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे ट्रिगर पे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऑन क्लिक, यानी कि क्लिक करने के बाद वो चीजें आनी चाहिए। अच्छा किस पे क्लिक करें तो एप्पल आए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक है, किस पे क्लिक करेंगे, एप्पल पे क्लिक करेंगे तो, और बॉल को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पेन पे आएंगे, सॉरी ट्रिगर पे आएंगे, ऑन क्लिक किस पे, बॉल पे क्लिक करें तो ये बॉल आना चाहिए, सही है, लग गया। अब करिए, अब जैसे नॉर्मली पहले हो रहा था, पहले एप्पल आ रहा है, एप्पल आ रहा है, आएगा अभी भी, ये क्या हो रहा है यार, बात मत करिए, देखिएगा पॉइंटर आने लगा, एप्पल पे क्लिक कर रहा हूं तो एप्पल आ रहा है, अब बॉल पे बॉल, चेक कर लेते हैं, ये चीज तो पहले ऐसे भी हो रहा था, अब चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल वे में बॉल पे क्लिक करने पे
बॉल आ रहा है, देखो बॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, अब एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी जो सिस्टम हम चाहते थे हो गया ना। तो यही ट्रिगर ऑप्शन का मतलब होता है कि जिस पे क्लिक करे वही चीज आनी चाहिए। और नॉर्मल देखा जाए तो पहले कौन सा लगाए थे, एप्पल, पहले एप्पल ही आना चाहिए था, लेकिन अब हम ट्रिगर ऑप्शन का जब से इस्तेमाल कर लेंगे तो चीजें आपकी अकॉर्डिंग हो जाएगी। और ऐसे ही चाहे तो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो ऐसे ही चाहे तो आप ऐसे ही सारी चीज लेके ए से लेके जेड तक का स्लाइड बना सकते हैं। एक स्लाइड पे दो दो रखिएगा, 13 स्लाइडें बनेंगी, 13 × 26 हो जाएगा आपका। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे करके बना सकते हैं स्लाइड अपने फ्यूचर के लिए। कभी बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाइएगा आप, समझ रहे हैं ना। हाँ जो भी है देख लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया गया एक बार फिर से देखिए। एक स्लाइड ले लिया जाए, कंट्रोल एम से एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है और कहाँ जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेना है। और इसमें क्या करना है, लिख देना है APPLE एप्पल, एप्पल बात मत करिए। और फिर टेक्स्ट बॉक्स में आके और यहाँ लिख देना है BOY। अब दोनों के साथ सिलेक्ट कर लीजिए, अब बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड इटैलिक करना, इटैलिक साइज को इंक्रीज करना है तो साइज को इंक्रीज कर लीजिए, जो भी करना हो गया। उसके बाद से मैंने कहा था इमेज डाउनलोड करना है PNG में, एप्पल का बॉल का जो भी है मैंने कर लिया ऑलरेडी। पिक्चर पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टाइम आने के बाद, एप्पल के पास एप्पल को मैंने वो कर दिया, थोड़ी साइज इंक्रीज करके यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और बॉल के पास बॉल को कर देंगे, बॉय लिख दिया क्या इस बार, चलो बी फॉर बॉय भी होता है जहां तक मुझे पता है, ठीक। और इंसर्ट कर देंगे और हो गया। बस इसके बाद से क्या करेंगे, कहां जाना है अब आना है आपको होम टैब के भीतर, और यहाँ एक ऑप्शन है सिलेक्ट का, और यहाँ एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। अयान उठो वहां से, जैसे स्टैंड अप, पुट योर बैग, चलिए बाहर आइए, आईडी कार्ड वेयर अप करिए आप लोग, चलिए यहाँ बैठिए, नहीं नहीं यहाँ आइए मेरे पास आइए, यहाँ आइए, यहाँ फिर तो वही बात, मेन अगर बिल्कुल आया आवाज तो चलिए ये हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि आप आ जाएंगे कहां पे, रिनेम कर लेंगे, चाहे पिक्चर को रिनेम कर लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को रिनेम कर लीजिए, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों सब एक नाम से रख नहीं पाएंगे, दो एप्पल दो बॉल ऐसा कर लें। टेक्स्ट बॉक्स वन को ही रिनेम करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, एप्पल ही लिख दिया। और टेक्स्ट बॉक्स टू को भी रिनेम करके क्या कर लिया, डबल क्लिक करके रिनेम कर रहे हैं, बॉल लिख लिया। अभी तो मैं रिनेम की है ना, मैंने बंद कर दिया, पहले चेक कर लेते हैं कि वो चीज अप्लाई हो रही है कि नहीं। अब देखिएगा पहले दिख जा रहा है, अब इसमें क्या लगाएंगे, पहले एनिमेशन, इस पे फ्लाई इन लगा लिया, और इस पे लगा दिया क्या बाउंस का। हाँ अब ये चेक करना है हमें कि एनिमेशन लगने के बाद ये चीजें अप्लाई हो रही है कि नहीं। देखो मैं बॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले एप्पल आ जा रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है ना अभी, क्योंकि ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल किया ही नहीं गया, अभी तक बस नॉर्मल वर्क हुए हैं। ट्रिगर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, एनिमेशन में, और यहाँ दिख जाएगा ट्रिगर ऑप्शन, जब सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हाईलाइट होता है, नहीं तो हाईलाइट नहीं रहेगा, और ट्रिगर पे क्लिक करेंगे और इस ये इमेज दिख जाए, इसका मतलब सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये इमेज दिखे, किस पे क्लिक करने पे, एप्पल पे क्लिक करने पे। और बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये बॉल वाली इमेज दिखे, किस पे क्लिक करने पे, बॉल पे क्लिक करने के, क्योंकि बॉल और एप्पल किसका नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम किया गया है। बस देख लीजिए अभी फॉलो हो गया है, बॉल पे क्लिक करेंगे तो बॉल आएगा, और एप्पल पे क्लिक करेंगे तो एप्पल आएगा, ये ट्रिगर आप समझ में आ गया। तो जो लिखना होगा लिख लीजिए, पहले सोच के 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ तो भी हो जाए। तो ये था ट्रिगर ऑप्शन, ऐसे किसी इमेज को लेकर बनाना करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एनिमेशन में सिर्फ यही नहीं है, कंट्रोल एम, ये सिर्फ एनिमेशन में यही नहीं, मान लो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा दिया, मान लो ये बॉल ही हो गया,
सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी बहुत ऑप्शंस दिए हुए हैं, मूवमेंट वाले हैं, और भी सारी चीजें हुई हैं। देखिएगा ये मोर इंट्रेंस इफेक्ट में मोशन पाथ वाला, मोशन का मतलब जानते ही ना, पढ़े हैं ना। हाँ, गति जो जिसमें मूवमेंट हो, क्लिक करिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए किस किस फॉर्म में मूव करे, स्ट्रेट लाइन, टर्न, डायगोनल, जो भी हमारे डायगोनल, ये वाले डाउन ले लिया, देखो ये नीचे जाएगा, ओके कर दिया। अब सेलेक्ट कर लिया, इसका इफेक्ट चेंज कर लीजिए, लेफ्ट राइट जो भी करना है, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दीजिए, ये देखिए। और इसको बस इतना मूव किया है ना, बस इसके बाद इसको पकड़िए और ड्रैग कर दीजिए, यहां तक जाएगा, और बाहर करेंगे तो अंदर तक जा जाएगा, बस हो गया। अब देखिए शो कराइएगा, डायरेक्टली इसलिए वहां गया है कि मैं थोड़ा सा बीच में ब्रेक कर दिया था। कहाँ जाना है इसको, मोर पासन पाथ वाले में चले जाइए, और यहीं से डाउन वाला, या फिर देख लीजिएगा लेफ्ट राइट दिया होगा, लेफ्ट वाला ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, और इसी को पकड़ के ड्रैग हो गया ना। अब शो कराइए, अब जाएगा वहां तक। ऐसे कार और का इमेज लगा के आप रूट बना के कार भी मूव करा सकते हैं, लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो इसी को फ्लाइट करना है, मान लो इसी को उड़ाना है, इस पर हटाना है, हटा दीजिए, इसे जो लगाए होंगे तो क्या करेंगे, इस पे और ऑप्शन है, क्लिक सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे मोशन पाथ में फ्लाई भी आता है, मतलब समझ रहे ना, डायगोनल अप राइट में, देखो ऐसे, जैसे मान लो यही हो गया, हट भी करेंगे तो ब्लिंक करेगा। हाँ हाँ देख लीजिएगा, कौन सा कह रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है, ओके के पास, हार्ट बीट देखो ऐसे ब्लिंक करेगा ऐसे। वो जानते हो हार्ट बीट क्या है, जैसे लोग नहीं होते हॉस्पिटल में, देखा होगा कि लाइनें जब तक इस तरह चलती है तब तक पता चल रहा कि वो आदमी है, सीधी हो गई तो मतलब समझ जाइए सीधा हो गया वो भी, तो वही वाला है। हार्ट बीट का मतलब यही है कि वो लाइनें, हार्ट बीट जो हमारी चलती है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं, वो वैसे बनेगा। ये देखिएगा डायगोनल अप राइट, इफ उड़ने वाला है जहाज, उड़ने वाला मतलब जहाज का इमेज अगर है तो उसको कर लीजिएगा, और ऐसे कर लीजिए, मान लो जहाज रहेगा, मान लो जहाज का इमेज रहेगा, मान लो फुटबॉल पे मैं सब अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ऐसे उड़ जाएगा। स्पीड चेक कर लेते हैं, स्पीड वगैरह इसकी डिले कर दिया जाएगा थोड़ा सा, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें स्पीड स्पीड की बात तो की नहीं गई है, देख लेते हैं। मैंने टाइमिंग इसको डिले कर दिया है, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी भी हो ही रहा जाएगा। ड्यूरेशन डिले कर दिया, ड्यूरेशन को भी कम कर देना है, क्या करना है, घटाने से हो, इसको बढ़ाएं क्या, बढ़ा देना है, ड्यूरेशन जितना बढ़ाए, ड्यूरेशन बढ़ाने का मतलब कि इतनी दूरी में ही ज्यादा टाइम ले, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइज उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कर लीजिए, किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, एनिमेशन में, एनिमेशन में ही सारे दिया हुआ है, और देखो जिग जैग मोशन भी दिया हुआ है इसमें, जिग जैग मोशन जानते हैं ना, हाँ सब जानते हो तुम लोग। उसमें है बहुत सारे, देखो यहाँ पे स्पाइरल है, वेव है, जिग जैग मोशन, देखो ऐसे इसको,
बस सो कराइए। एक जिग जैग मोशन है, ठीक है। तो बहुत सारे मोशन है, आप स्मार्ट जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, आप इस यूज करिए उसमें, ठीक है। इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट लगा सकते हैं, श्रिंकना, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। वो लाइनों पे लगता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि थोड़ा कम दिखे, धुंधला नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, बस ओके कर लिया। देखो ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ऐसे कर सकते हैं आप, कर लेंगे ना। उसके बाद से अगला है स्लाइड शो। क्या है स्लाइड शो? स्लाइड शो में आपको बताया ही थे, फ्रॉम बिगनिंग और करंट के लिए शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। फ्रॉम बिगनिंग के लिए F5 और करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट F5, बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। रिकॉर्ड शो, अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो स्लाइड आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट आपका है ऐसे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में स्टार्टिंग में एमएस वर्ड में पढ़ाई है स्पेलिंग, थिसोरस के बारे में, थिसोरस का यहाँ यूज नहीं है, रिसर्च है बस। ट्रांसलेट करना जानते हैं, अनुवाद करना बताया था ना, सिलेक्ट करके ट्रांसलेट पे क्लिक करिए, कमेंट दे सकते हैं, कंपेयर देंगे, कोई चेंजिंग करेगा तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब अगर बहुत सारी चेंजिंग हुई है तो नेक्स्ट प्रीवियस करके देख लीजिए। रिव्यू पेन बनाता है कि कहाँ कहाँ चेंजिंग की गई है, समझ रहे ना। और व्यू टैब में क्या है, ए हाँ ये जरूर नोट कर लीजिएगा, व्यू टैब में कितने व्यू होते हैं पावर पॉइंट के, लिख लीजिएगा। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पे और रीडिंग व्यू, इतने व्यू होते हैं। अगर इनके अलावा क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है व्यू से, अरे जो लोग एग्जाम दे रहे थे ग्रेजुएशन का उनके में भी आया था ऑप्शन ए व्यू वाला।